नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अत्यंत सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिन्हें वृक्क नलिका अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के प्याले नुमा खांच में रक्त नलिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट दोनों मिलाकर मेलपिकी कोश बनाते हैं। नेफ्रॉन का शेष भाग नलिका के रूप में होता है। यह नलिका 3 भागों में होती है जिन्हें समीपस्थ कुंडलित भाग